तो आप कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे आर्कमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड तो ये लेवल वन की प्रॉब्लम्स हैं बहुत आसान सी प्रॉब्लम्स हैं पहली प्रॉब्लम क्या फोर्स इन वाटर तो दो इंफॉर्मेशन दी हुई हैं पहले बोला हुआ है बॉडी वेज टू ग्राम फोर्स इन एयर मतलब यह है उसका ट्रू वेट और जब इसी बॉडी को वाटर में कंप्लीटली इमर्स कर देते हैं तब उसका वेट बताया हुआ है 190 ग्राम फोर्स हमको कैलकुलेट क्या करना है नंबर वन द लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर सेकेंड द अपथरेस्ट ऑन द बॉडी तो इसको आप मेंटली भी आंसर कर सकते हैं क्या बोला हुआ है? एक बॉडी है और एयर में उसका वेट है 200 ग्राम फोर्स तो यह है उसका ट्रू वेट जब इस बॉडी को हम वॉटर में इमर्स करेंगे तो क्या होगा ये वॉटर को डिस्प्लेस करेगी और जो वॉटर डिस्प्लेस होगा उसका वेट वो कहलाता है अपथ्रस्ट इस बॉडी पर एक और फोर्स एक्ट करने लगेगा वो होता है अपथ्रस्ट और या फिर इसको कहते हैं हम लॉस ऑफ वेट अपथ्रस्ट या लॉस इन वेट तो यह है इसका ट्रू वेट 200 ग्राम फोर्स और हमको दिया है अपेरेंट वेट अपेरेंट वेट क्या होता है ट्रू वेट माइनस यू जब करेंगे तब हमको मिलता है अपेरेंट वेट जो यहां दे रखा है 190 ग्राम फोर्स तो हमको फॉर्मूला ये यूज करना है अपेरेंट वेट अपेरेंट वेट इज इक्वल टू अपेरेंट वेट इज इक्वल टू ट्रू वेट मतलब डब्ल्यू माइनस अ यह है अपथ्रस्ट जो ऊपर एक्ट करता है हमको उसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अपेरेंट वेट कितना दे रखा है यहां बोला हुआ है अपेरेंट वेट है 190 ग्राम फोर्स और ट्रू वेट कितना है वो है 200 ग्राम फोर्स माइनस यू तो यू कितना होगा तो ऑब्वियसली यू होगा 10 ग्राम फोर्स ग्राम फोर्स में वैल्यूज गिवन है तो ये होगा अपथ्रस्ट और अपथ्रस्ट का मतलब क्या होता है अपथ्रस्ट मतलब होता है लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी या वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इतना ही उसमें आता है लॉस तो दोनों ही इन पार्ट्स के आंसर क्या होंगे टेन ग्राम फोर्स अब यदि इसको डाइन में पूछा होगा आपको तो आप क्या करेंगे यदि आंसर आपसे डाइन में पूछा होता सपोज तो आपने ये अपथ्रस्ट फाइंड किया टेन ग्राम फोर्स और इसमें एफ को हटाकर जी की जगह हम पुट कर देंगे नाइन एटी क्या आ जाएगा नाइन एट डबल जीरो न्यूटन में आंसर पूछा होगा तो क्या करेंगे नाइन एट जीरो जीरो और डाइन को कन्वर्ट करेंगे हम न्यूटन में तो वन न्यूटन इक्वल्स टू टेन रेस टू दी पार फाइव डाइन होता है तो वन डाइन कितना होगा वन डाइन होगा वन अपॉन टेन रेस टू दी पार फाइव तो यहां जो डाइन आया हुआ है 98, डाइन का मतलब होता है 98, into 1 डाइन और 1 डाइन की जगह हम 1 upon 10 raise to the power 5 कर देंगे, या फिर आप डायरेक्टली टेन रेस टू दी पार माइनस फाइव का मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो दो जीरो कैंसिल होने पर यहां आएगा टेन रेस टू द्री यहां लिख देता हूं मैं तो कितना हो जाएगा ये अब इंटू टेन रेज टू दी पावर माइनस थ्री और इस तरह आंसर नहीं किया जाता है हमको डेसिमल पॉइंट चाहिए होता है आफ्टर फर्स्ट प्लेस तो इसमें टेन से डिवाइड करेंगे तो इसमें टेन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा न्यूटन में नाइन पॉइंट एट टाइम्स टेन रेज टू दी पावर माइनस टू न्यूटन न्यूटन में आंसर है डाइन में पूछा होता तो यह आंसर होता और ग्राम फोर्स में होता तो वो टेन ग्राम फोर्स हो जाता तो इस क्वेश्चन का आंसर है तो इससे क्या हमको समझना है कि वेट इन एयर बोला है मतलब वो है ट्रू वेट और जब उसे इमर्स करेंगे किसी लिक्विड में तब अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ लगेगा अपथ्रस्ट ही होता है लॉस इन वेट या वेट ऑफ द वॉटर या लिक्विड डिस्प्लेस तब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर टू सॉलिड ऑफ डेंसिटी फाइव थाउजेंड के जी पर मीटर क्यूब वेज पॉइंट फाइव किलोग्राम फोर्स इन एयर इट इज कंप्लीटली इमर्ज इन वॉटर ऑफ डेंसिटी थाउजेंड के जी पर मीटर क्यूब कैलकुलेट देट ऑफ द सॉलिड इन वॉटर एक सॉलिड है जिसकी डेंसिटी दे रखी है फाइव थाउजेंड के जी पर मीटर क्यूब मतलब उसके एक मीटर वॉल्यूम में फाइव थाउजेंड के जी मास है और एयर में उसका वेट दे रखा है पॉइंट फाइव किलोग्राम फोर्स जब इस सॉलिड को वाटर में कंप्लीटली इमर्स करते हैं वाटर की डेंसिटी दे रखी है थाउजेंड के जी पर मीटर क्यूब तब हमको बताना है कि उस सॉलिड का अपेरेंट वेट कितना होगा तो अपेरेंट वेट मैं आपको याद दिलाऊं उस सॉलिड का अपेरेंट वेट होगा उसका ट्रू वेट उसका ट्रू वेट मतलब वेट इन एयर ट्रू वेट और उसमें से सब्रैक्ट होगा अपथ्रस्ट बेसिकली हमको अपथ्रस्ट चाहिए होगा अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पर ध्यान दें तो उसने बोला है कि सॉलिड को वाटर में कंप्लीटली इमर्स किया है तो जो सॉलिड का वॉल्यूम होगा वही होगा वॉल्यूम ऑफ द वॉटर डिस्प्लेस्ड तो अपथ्रस्ट कैसे आएगा एक तो ये याद रखें ये फाइनल आंसर हमको इस इक्वेशन से देना है दूसरी बात अपथ्रस्ट कैसे निकालेंगे तो अपथ्रस्ट होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू ग्रेविटी और जैसा मैंने अभी कहा कि वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड होगा वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी इस इक्वेशन से हम यू फाइंड आउट करके ये इसमें सब्सिट्यूट करेंगे अब हमको चाहिए वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड और वही है वॉल्यूम ऑफ वॉटर डिस्प्लेस्ड तो वो कैसे करेंगे तो सॉलिड के बारे में हमको क्या बताया हुआ है हमको सॉलिड की दी हुई है डेंसिटी उसको मैं लिख रहा हूं डीएस तो डीएस दे रखा है हमको 5000 थाउजेंड के जी पर मीटर क्यूब ये दे रखी है डेंसिटी और उसका वेट दे रखा है एयर में मतलब उसका ट्रू वेट वो दे रखा है पॉइंट फाइव के जी एफ किलोग्राम फोर्स और इसको न्यूटन में भी कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे तो मनी मन में के और एफ को हटा देंगे और जी की जगह 9.8 पॉइंट कर देंगे 0.5 फाइव इंटू तो ये कन्वर्ट हो जाएगा न्यूटन में अब हमको चाहिए वी एस मतलब वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड उसके लिए यही डेटा हम यूज करेंगे डब्ल्यू एयर मतलब एयर में वेट वो कितना होगा वेट क्या होता है मास इंटू ग्रेविटी एम जी और मास क्या होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी तो यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इंटू डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इन जी ये होगा डब्ल्यू एयर और इसमें से हम वी एस फाइंड आउट कर लेते हैं वी एस मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो डब्ल्यू एयर ये हमने फाइंड आउट कर लिया है ये गिवन है इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है न्यूटन में तो पॉइंट फाइव इंटू नाइन पॉइंट एट ये आएगा अपॉन डेंसिटी ऑफ द सॉलिड जो दे रखी है हमको कितनी 5000 थाउजेंड इंटू मतलब आप इसमें यहां मल्टीप्लीकेशन नहीं भी करते तो काम चल जाता तो 9.8 पॉइंट कैंसल आउट होता है और ये डेसिमल हटाएंगे तो एक जीरो और आएगा यहाँ इंटू टेन लिख दिया है मैंने यहां और फाइव से इसको डिवाइड कर दें तो ये थाउजेंड और ये एक और टेन मतलब टेन रेज टू दी पार क्या हो जाएगा ये फोर के बराबर ये आ गया हमारे पास मीटर क्यूब में सॉलिड का वॉल्यूम और यही वॉल्यूम हमको यहां पर यूज करना है वॉल्यूम ऑफ द वॉटर डिस्प्लेस्ड में तो यहां पर सब्सटीट्यूट कर लें इसे रेस टू दी डेंसिटी ऑफ वॉटर वो है थाउजेंड इंटू जी वो कितना है नाइन पॉइंट एट तो ये आएगा आप थ्रस्ट का आंसर न्यूटन में तो ये आ गया आप तो एक टेन यहां बच रहा है कैंसिल करने पर तो ये हो गया पॉइंट 98 न्यूटन के बराबर और इसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फ्रॉम वन अपेरेंट वेट हमको चाहिए तो अपेरेंट वेट इज इक्वल्स टू होगा ट्रू वेट अब ट्रू वेट कितना दे रखा है हमको 0.5 0.5 वो है किलोग्राम फोर्स में तो 0.5 9.8 करने पर वो आएगा न्यूटन में और अब थ्रस्ट ये हमने फाइंड आउट कर रखा है पॉइंट 9.8 इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा तो इसको भी पॉइंट नाइन एट बनाने के लिए क्या करेंगे टेन से डिवाइड करेंगे तो यहाँ टेन का मल्टीप्लाई हो जाएगा फाइव इंटू पॉइंट नाइन एट इसे लिख सकते हैं और ऑलरेडी यहां आया हुआ है पॉइंट नाइन एट तो पॉइंट नाइन एट ये कॉमन कर लेते हैं फाइव माइनस वन ये हो जाएगा फोर तो इस तरह से ये आएगा अपेरेंट वेट न्यूटन में पर मान लो आपको आंसर देना है के में किलोग्राम फोर्स में तो आपको याद आना चाहिए मैं बता चुका हूं आपको कि 1 ये होता है नाइन पॉइंट एट न्यूटन के बराबर तो वन न्यूटन कितना होगा वन न्यूटन होगा वन अपॉन नाइन पॉइंट एट के जी एफ यानी यहां न्यूटन की जगह आपको सब्सटीट्यूट करना है वन अपॉन नाइन पॉइंट एट यहां पर आप करेंगे ऐसा पॉइंट नाइन एट इंटू फोर इंटू वन अपॉन नाइन पॉइंट एट ऐसा आपको करना पड़ेगा और इसे सॉल्व करोगे आप तो के जी एफ में आंसर आ जाएगा तो डेसेमल हटाया तो एक जीरो ऊपर और इस डेसिमल के हटाने पर दो जीरो नीचे और नाइनटी एट से ये कितनी बार कैंसिल होगा हंड्रेड टाइम्स और एक जीरो और कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ सिर्फ एक टेन बचता है तो फोर बाई टेन ये बन गया पॉइंट फोर पॉइंट फोर के जी एफ तो आपको न्यूटन में किलोग्राम फोर्स दोनों में सॉल्व करना आना चाहिए तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है पॉइंट फोर के जी एफ तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बोला हुआ है बॉडी वेज फोर फिफ्टी ग्राम फोर्स इन एयर एंड थ्री हंड्रेड एंड टेन ग्राम फोर्स व्हेन कंप्लीटली इमर्ज इन वाटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी एंड अपथ्रस्ट ऑन द बॉडी स्टेट द अजम्पन मेड इन पार्ट वन तो क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है पहले बोला हुआ है हमसे वेट ऑफ द बॉडी इन एयर वो कितना दे रखा है वेट इन एयर वो गिवन है हमको 450 ग्राम फोर्स ये दे रखा है दूसरा दे रखा है हमको वेट इन वाटर वेट इन वाटर दे रखा है वेट इन वाटर और वो कितना है वो है थ्री हंड्रेड एंड टेन ग्राम फोर्स हमको फाइंड क्या क्या करना है नंबर वन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी एंड अपथ्रस्ट ऑन द बॉडी तो इस इंफॉर्मेशन से हम एक बात जानते हैं यह है उसका ट्रू वेट और यह है उसका अपेरेंट वेट और हमने एक इक्वेशन पढ़ी हुई है कि अपेरेंट वेट इज इक्वल्स टू क्या होता है उसका ट्रू वेट मतलब ही वेट इन एयर माइनस थ्रस्ट तो ये गिवन है हमको अपेरेंट वेट 310 ट्रू वेट 450 फिफ्टी माइनस थ्रस्ट तो थ्रस्ट हमको मिल जाएगा कितना होगा अपथ्रस्ट फोर फिफ्टी माइनस टेन हंड्रेड थ्री तो 450 फिफ्टी माइनस थ्री वो कितना होगा वो होगा 140 140 और ये आएगा किस में ग्राम फोर्स में तो ये है अपथ्रस्ट अब अपथ्रस्ट किसके बराबर होता है तो हम जानते हैं वो होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू ग्रेविटी और वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड कितना होगा क्योंकि यहां बोला है कंप्लीटली इमर्ज इसका मतलब जो वॉल्यूम होगा सॉलिड का वही वॉल्यूम होगा वाटर डिस्प्लेस्ड का इनटू डीडब्ल्यू इनटू जी और ये कितना दे रखा है अपथ्रस्ट वो है 140 ग्राम फोर्स तो जब ग्राम फोर्स में दिया होता है तो आप डायरेक्टली इस तरह की इक्वेशन बना सकते हैं इस जी को कैंसल आउट भी कर सकते हैं और इस एफ की बात नहीं करेंगे और ये सीजीएस वाली इक्वेशन रहेगी फिर ठीक है अब यहां से हम क्या फाइंड कर सकते हैं वीएस जो हमको पूछा हुआ है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी मतलब ही वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड तो वीएस कितना होगा वो होगा 140 अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इन सीजीएस सीजीएस में डेंसिटी ऑफ वाटर वो हमको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा और वो हम जानते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है वो और ये भी कितना है ये ग्राम में आंसर आएगा 140 क्या होगा ग्राम और ये सेंटीमीटर क्यूब रेसिप्रोकेट होकर ऊपर जाएगा ग्राम ग्राम कैंसिल होकर ये आ जाएगा 140 सेंटीमीटर क्यूब तो एक आंसर तो ये है ये आया हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ द बॉडी 140 सेंटीमीटर क्यूब फिर सेकेंड क्या बोला है लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी लॉस इन वेट यही है अपथ्रस्ट अपथ्रस्ट और लॉस इन वेट एक ही बात होता है पर लॉस इन वेट बोला हुआ है यानी फोर्स की बात हो रही है तो उसको हमको ग्राम फोर्स में आंसर करना पड़ेगा तो इस सेकेंड पार्ट का आंसर क्या होगा वो होगा वन फोर्टी ग्राम फोर्स और तीसरे पार्ट में बोला है अपथ्रस्ट ऑन द बॉडी तो अपथ्रस्ट तो हमने फाइंड किया था तो लॉस इन वेट या अपथ्रस्ट एक ही बात होती है तो इसका आंसर भी होगा 140 ग्राम फोर्स और यहां बोला हुआ है स्टेट द मेड इन पार्ट वन तो जब हम पार्ट वन सॉल्व कर रहे थे हम जब फाइन कर रहे थे वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड तब हमने वाटर की डेंसिटी वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सपोज की थी तो यह है अजम्पन जो हमने यहां किया था तो वैसे भी याद रखना चाहिए कि वाटर की डेंसिटी ये होती है वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर इसको कहना चाहिए थाउजेंड यदि आप बोलना चाहते हो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में तो डेंसिटी ऑफ वाटर हमें याद होना चाहिए कई बार वो प्रॉब्लम्स में नहीं दी होती है तो ये है डेंसिटी ऑफ वाटर इन सीजीएस और ये है डेंसिटी ऑफ़ वाटर इन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोला हुआ है ब्लॉक ऑफ वुड फ्लोटिंग ऑन वाटर विद डायमेंशन फिफ्टी सेंटीमीटर इन टू फिफ्टी सेंटीमीटर इन टू फिफ्टी सेंटीमीटर इन साइड तो ये क्यूब की बात हो रही है और फिफ्टी सेंटीमीटर उस क्यूब की एज है आगे बोला है कैलकुलेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक फोर्स मतलब ही upthrust. और आगे बोला है टेक पॉइंट एट न्यूटन पर के जी तो अपथ्रस्ट मैं आपको याद दिलाता हूं अपथ्रस्ट क्या होता है अपथ्रस्ट मतलब वॉल्यूम ऑफ द वॉटर डिस्प्लेस्ड डेंसिटी ऑफ वॉटर इंटू जी जिसकी वैल्यू यहां दे रखी है अब क्योंकि यहां बोला है कि वो ब्लॉक वाटर पर फ्लोट हो रहा है इसका मतलब ये यदि वाटर की सरफेस है तो वो ब्लॉक इस तरह से फ्लोट हो रहा है वाटर की सरफेस पर मतलब वो कंप्लीटली इमर्ज है और यदि वो कंप्लीटली इमर्ज है तो जो वॉल्यूम होगा सॉलिड का वही वॉल्यूम होगा ऑफ द वॉटर डिस्प्लेस्ड यानी यहां पर हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू ग्रेविटी बस इस तरह आप थ्रस्ट आ जाएगा तो कैसे आगे सॉल्व करें सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड अब ये क्यूब है और क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है वो होता है एज क्यूब मतलब ही साइड क्यूब साइड यदि ए हो तो वॉल्यूम होगा ए क्यूबड अब साइड को यदि हम मीटर में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे उसको लिखेंगे हम फिफ्टी इंटू टेन रेज टू दी पावर माइनस टू और इसका हमको क्यूब करना पड़ेगा तो ये हो गया वॉल्यूम एस आई यूनिट्स में क्योंकि यहां जी की वैल्यू एस आई में दे रखी है फिर डेंसिटी ऑफ वाटर मतलब टेन रेज टू दी पावर थ्री के जी पर मीटर क्यूब इंटू जी की वैल्यू ये आएगी दी हुई है हमको नाइन पॉइंट एट न्यूटन पर के जी यूनिट के साथ भी आप सब्सटीट्यूट करके इसको देख सकते हैं तो यहां पर 50 इंटू टेन रेस टू दी पावर माइनस टू होल क्यूब जब हम करेंगे तो ये हमने क्या लिखा हुआ है वॉल्यूम और वॉल्यूम आएगा मीटर क्यूबड में फिर उसके बाद टू दी थ्री के जी पर मीटर क्यूब मैं ये यूनिट्स के साथ लिख रहा हूं बस तो आप देख रहे हैं यूनिट्स भी कैंसिल आउट होंगी और नाइन पॉइंट एट यहां सब्सटीट्यूट करेंगे और नाइन पॉइंट एट की यूनिट क्या दे रखी है न्यूटन पर के जी न्यूटन के जी माइनस वन मतलब न्यूटन पर के जी तो आप देखो ये मीटर क्यूब कैंसिल के जी भी कैंसिल आपका आंसर आएगा न्यूटन में तो मैंने यहाँ बगैर यूनिट्स को उनको लिख दिया है तो आप यूनिट्स के साथ भी काम कर सकते हैं अब इसको सॉल्व करने के लिए टेन इस को इसे दे दें मतलब टेन का मल्टीप्लीकेशन कर दें तो टेन रेज टू दी पावर माइनस वन हुआ और फिर पावर ऑफ पावर लगा देंगे तो टेन रेज टू दी पावर माइनस थ्री हो जाएगा यहाँ और इस फाइव का क्यूब जरूर आपको करना पड़ेगा तो फाइव फाइव इज आ ट्वेंटी फाइव टाइम्स फाइव इज वन ट्वेंटी फाइव तो यहां आ जाएगा ये वन टू फाइव इंटू टेन टू दी पार माइनस थ्री फिर ये टेन रेज टू दी पार थ्री और ये नाइन पॉइंट एट और आपका आंसर आने वाला है न्यूटन में ये कैंसिल आउट बस इन दोनों का हमको मल्टीप्लीकेशन करना है वन ट्वेंटी फाइव इंटू नाइन पॉइंट एट इसको सॉल्व करना पड़ेगा तो ओवर फोर फिर सोलह दो बचेंगे आठ और दो दस वैसे भी दिख रहा था वन ट्वेंटी फाइव टाइम्स एट एज थाउजेंड फिर हासिल चार अठारह और चार बाईस हासिल क्या दो नौ और दो ग्यारह तो ये हुआ जीरो फाइव टू टू वन और डेसिमल यहां आएगा इसका मतलब ये हो गया वन टू टू फाइव वन टू टू फाइव न्यूटन इज द आंसर तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव क्या बोला इस क्वेश्चन में अ मेटल क्यूब ऑफ एज फाइव सेंटीमीटर एक क्यूब की बात हो रही है जिसकी साइड है फाइव सेंटीमीटर एंड डेंसिटी नाइन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब उस क्यूब के मटेरियल की डेंसिटी दे रखी है नाइन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सस्पेंडेड बाई अ थ्रेड so as to be completely immersed in a liquid of density 1.2 centimeter cube तो so, इस क्यूब को जिसकी एज है 5 सेंटीमीटर इसको सस्पेंड किया है एक थ्रेड से कंप्लीटली इन अ लीक्विड ऑफ डेंसिटी 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमको फाइंड क्या करना है फाइंड द टेंशन इन टेंशन का मतलब उस थ्रेड में जो फोर्स डेवलप होगा वो हमको फाइंड आउट करना है गिवन है जी 10 मीटर पर सेकेंड तो क्या है सिचुएशन एक है 5 सेंटीमीटर एज का क्यूब इस तरह का क्यूब है और इसको किसी थ्रेड की हेल्प से सस्पेंड किया हुआ है लिक्विड में तो लिक्विड भी ड्रॉ कर देते हैं हम और फिर इसको किस तरह सॉल्व करेंगे तो हमको इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा ये मैंने शो किया है क्लास में आप पढ़ोगे एक फोर्स डायग्राम हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी का तो यहां ऑब्जेक्ट जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं वो कौन सी है यह है क्यूब फाइव सेंटीमीटर एज का अब इस क्यूब पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे तो एक तो फोर्स होगा इस क्यूब का वेट डाउनवर्ड जो होगा एम जी के बराबर वेट ऑफ द क्यूब डाउनवर्ड ये मैं बना रहा हूं फोर्स डाइग्राम इस क्यूब का तो एक फोर्स होगा वेट दूसरा फोर्स होगा अपथ्रस्ट ये होगा दूसरा फोर्स अपथ्रस्ट और एक फोर्स इस थ्रेड में डेवलप हो जाएगा उसे कहते हैं टेंशन तो टेंशन एक्ट कर रहा होगा ऊपर और क्योंकि ये ब्लॉक है इक्विलिब्रियम में यानी बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं तीन फोर्सेस लग रहे हैं पर ये ब्लॉक है रेस्ट में, इसका मतलब डाउनवर्ड्स फोर्स, हम बात कर रहे हैं उस ब्लॉक के इक्विलिब्रियम की इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो है और नेट फोर्स क्यों जीरो है क्योंकि डाउनवर्ड्स जो फोर्स हैं वो अपवर्ड फोर्सेस के बराबर हैं तो नीचे कितना फोर्स लग रहा है डब्ल्यू और ऊपर कितना है ऊपर है यू प्लस टी जिसमें यू है अप्रस्ट और टी है टेंशन हमको चाहिए टेंशन इन द रोप टेंशन इन द स्ट्रिंग वो हमको फाइंड आउट करना है तो टी कितना होगा यहां से टी इज इक्वस टू हो जाएगा डब्ल्यू उस बॉडी का वेट डाउनवर्ड्स माइनस यू ये हो जाएगा टेंशन और W- माइनस यू ये ऑलरेडी आप जानते हैं W मतलब उस ब्लॉक का ट्रू वेट और U है अपथ्रस्ट तो हमको क्या मिलेगा हमको मिलेगा उसका अपेरेंट वेट W- माइनस यू होता है अपेरेंट वेट यानी इस तरह के सवालों में टेंशन इन द रोप जब पूछा जाएगा तो आपको फाइंड आउट क्या कर लेना है आपको फाइंड कर लेना है अपेरेंट वेट मतलब डब्ल्यू माइनस यू आप फाइंड कर लेंगे इस स्ट्रिंग की जगह हो सकता है स्प्रिंग बैलेंस से इसको टांगा गया होगा यह है स्प्रिंग बैलेंस और इस स्प्रिंग बैलेंस के साथ हो सकता है इस ब्लॉक को इस तरह अटैच किया होगा आपसे पूछ सकते हैं इस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग तब भी आपको यही काम करना है क्या फाइंड कर लेंगे अपेरेंट वेट अब अपेरेंट वेट कैसे आएगा तो उसका वेट जो होगा ट्रू वेट वो कितना होगा वॉल्यूम उस क्यूब का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू उसके मटेरियल की डेंसिटी तो उसको लिख लेते हैं हम डी एस ये हम फाइंड कर रहे हैं वेट ऑफ द क्यूब तो वॉल्यूम उसका क्यूब का उसके मटेरियल की डेंसिटी इनटू ग्रेविटी यह है ट्रू वेट डब्ल्यू और अब थ्रस्ट कितना होगा तो क्योंकि ये कंप्लीटली इमर्ज है तो जो सॉलिड का वॉल्यूम है वही होगा वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड यानी यहां भी हम वॉल्यूम सॉलिड का ले सकते हैं पर डेंसिटी किसकी होगी वाटर की इंटू जी इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा तो वी एस और जी ये है कॉमन अंदर है डीएस माइनस डी डब्ल्यू इंटू जी और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा वैल्यू सब्सिट्यूट करके इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं पार्ट को फिर आगे इसको अभी हम सॉल्व करके देखते हैं तो क्या फॉर्मूला आ गया है हमारे पास में वी एस वी एस मतलब वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इंटू डी एस माइनस डी डब्ल्यू डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ वॉटर और उसके बाद वॉटर की जगह यहां पर क्या बोला हुआ है यहां बोला हुआ है किसी लिक्विड में जिसकी डेंसिटी दे रखी है 1.2 ग्राम पर cm3. तो वॉटर की जगह आप उसको लिक्विड पढ़ेंगे रीडब्ल्यू जो है वो डेंसिटी ऑफ वॉटर ना होकर डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो जाएगा ठीक है अब इसको सॉल्व करना है हमको इसको मैं रब कर लूं एक बार उसके बाद फिर इसको यहां हम सॉल्व कर लेते हैं क्या आता है इसका आंसर देखते हैं तो टेंशन इन द रोप या फिर स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग जब भी पूछेंगे तो इसी तरह से फिर हमको काम करना है अब क्या करें टू सबसे पहले वी एस वी एस मतलब क्या है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड तो वॉल्यूम कैसे आएगा क्योंकि ये क्यूब की बात हो रही है क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब साइड क्यूब साइड कितनी दे रखी है फाइव सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और इसका हमको करना पड़ेगा क्यूब तो ये तो है वी एस फिर बात डेंसिटीज की तो डेंसिटी सॉलिड की कितनी है वो है नाइन पर नाइन किसमें है यूनिट क्या है ग्राम पर सी एम क्यूब इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा के जी पर मीटर क्यूब में तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब्ड इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे के जी पर मीटर क्यूब में तो एक ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं टेनरेज टू माइनस थ्री के जी और एक सेंटीमीटर में होते हैं टेनरेज टू दी पावर माइनस टू मीटर तो टेन रेज टू दी पावर माइनस टू का हमको क्यूब करना पड़ेगा तो कितना आएगा टेनरेज टू दी पावर माइनस सिक्स मीटर क्यूब और इसको यदि न्यूमरेटर में ले जाएंगे और 10 की पावर्स रीअरेंज करेंगे तो आ गया थाउजेंड थाउजेंड के जी पर मीटर क्यूब यानी जब भी डेंसिटी ग्राम सेंटी पर सेंटीमीटर क्यूब में हो और उसको के जी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो टेन रेज टू 3 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो नाइन इंटू टेन रेज टू दी पावर थ्री माइनस यहाँ क्या आएगा यहाँ आएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसको हमने यहां डी डब्ल्यू लिख दिया है डी डब्ल्यू की जगह डेंसिटी ऑफ द लिक्विड विच इज 1.2 और दोनों के साथ में आएगा 10 रेस्ड टू इसको यहां लिख लेते हैं दोनों में मैंने लिखा होगा उसे कॉमन कर दिया है 9 इंटू टेन रेज टू दी पार थ्री माइनस वन पॉइंट टू इंटू टेन रेज टू दी पार थ्री तो टेन रेज टू दी पार थ्री बाहर हो गया और अब किसकी वैल्यू रखनी है जी यानी टेन और इसको हमें सॉल्व करना है तो फाइव क्यूब कितना होगा वो होगा वन ट्वेंटी फाइव फिर यहां होगा टेन रेज टू दी पावर माइनस सिक्स पावर ऑफ पार लगाकर फिर नाइन माइनस वन पॉइंट टू मतलब एट और एट में से कितना घटाना है पॉइंट टू तो कितना आ जाएगा ये सेवन पॉइंट एट इंटू टेन रेज टू पावर्स रीअरेंज करें तो कितना बचेगा टेन रेस टू दी पार माइनस टू देवल प्लस फोर इज माइनस टू और इधर ये आ रहा है ये आंसर आएगा किस में हम एस में काम कर रहे हैं तो आंसर आएगा न्यूटन में बस इसका मल्टीप्लीकेशन करना है आपको वन ट्वेंटी फाइव इंटू सेवन पॉइंट एट एट का मल्टीप्लीकेशन करने वन ट्वेंटी फाइव में तो ये तो हो गया थाउजेंड उसके बाद सेवन का मल्टीप्लीकेशन तो कैरी ओवर थ्री ये हो गया सेवनटीन फिर वन तो ये हो गया एट के बराबर तो जीरो फाइव सेवन नाइन और एक के बाद डेसिमल पॉइंट लगा देंगे तो ये हुआ नाइन सेवन फाइव नाइन सेवनटी फाइव इन टू टेन रेज टू दी बार माइनस टू न्यूटन मतलब हंड्रेड से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा तो स्ट्रिंग में आने वाला टेंशन होगा नाइन पॉइंट सेवन फाइव न्यूटन तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है इसको आगे तक आपको याद रखना चाहिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट ये शॉर्ट फॉर्मूला यूज करके आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो आपको इस पर स्पेशली ध्यान देना चाहिए इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन क्या है अ सॉलिड ऑफ डेंसिटी रो हैज वेट डब्ल्यू एक सॉलिड दे रखा है जिसके मटेरियल की डेंसिटी उस सॉलिड के मटेरियल की डेंसिटी दे रखी है रो के बराबर और सॉलिड का वेट है डब्ल्यू आगे बोला है शो दैट इट्स अपेरेंट वेट विल बी तो इसी सॉलिड का अपेरेंट वेट इतना होगा ये हमको शो करना है डब्ल्यू इंटू वन माइनस रो एल अपॉन रो वे कम्प्लीटली इमर्ज इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एल जब इस सॉलिड को रो एल डेंसिटी के लिक्विड में इमर्स करते हैं तब सॉलिड का अपेरेंट वेट होगा W इंटू वन माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड तो इस फॉर्मूले को आपको आगे तक याद रखना है तो यह है अपेरेंट वेट का फॉर्मूला तो अपेरेंट वेट क्या होता है तो अपेरेंट वेट आप उसका फॉर्मूला जानते हैं अपेरेंट वेट होता है उस सॉलिड का ट्रू वेट ट्रू वेट मतलब ही एम जी माइनस माइनस अपथ्रस्ट इस तरह हमको मिलता है अपेरेंट वेट ट्रू वेट माइनस थ्रस्ट अब इस क्वेश्चन में ट्रू वेट तो दिया हुआ है हमें कितना है डब्ल्यू कैसे आएगा थ्रस्ट का फॉर्मूला भी हम जानते हैं थ्रस्ट होता है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इसको मैंने डीएल लिख दिया हाल फिलहाल डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू ग्रेविटी इस तरह हमको मिलता है अब थ्रस्ट अब क्योंकि यहां वो जो सॉलिड है उसे कंप्लीटली इमर्स किया है मतलब जो सॉलिड का वॉल्यूम होगा वही होगा वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड अब हमको वेट दे रखा है सॉलिड का सॉलिड का हमको वेट दे रखा है वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इनटू इसमें डेंसिटी यदि कर दें सॉलिड की जो है रो इनटू जी इस तरह वेट को लिखा जा सकता है सॉलिड का वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ये होगा मास इंटू ग्रेविटी ये बन जाएगा वेट और यहां से हम फाइंड कर लेते हैं Vs का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड ग्रेविटी तो डब्ल्यू अपॉन रो जी ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के बराबर होगा यहां लेंगे हम डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी इस तरह में आप ट्रस्ट मिल जाएगा वो यहां सब्सिट्यूट करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड या वॉल्यूम ऑफ वो ये है W upon rho g, ये है, ये सिर्फ हमने अभी वॉल्यूम लिखा है इसके बाद यहां आएगी डेंसिटी उस लिक्विड की कितनी दे रखी है वो है रो l के बराबर इस क्वेश्चन में और क्या आएगा और आएगा g ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा और अब इसमें से हम W को कॉमन कर लेते हैं उसके पहले इस G को कैंसिल आउट कर देंगे और W यदि कॉमन करें तो अंदर क्या बचता है rho L rho. तो इस फॉर्मूले को आपको रट लेना चाहिए जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आया कि एक सॉलिड को कंप्लीटली लिक्विड में इमर्स किया हुआ है तो अपेरेंट वेट कितना होगा ऐसा यदि आपसे पूछा है तो ऐसे करना है आपको अपेरेंट वेट वेट इज टू ट्रू माइनस यहां आएगा किसकी डेंसिटी आती है यहाँ लिक्विड की जो कम होती है अक्सर और यहां आती है डेंसिटी ऑफ सॉलिड मैं बच्चों से कहता हूं कि आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो W इंटू वन माइनस एल अपॉन एस लिक्विड अपॉन सॉलिड वहां आपको याद आ जाएगा कि यह है डेंसिटी ऑफ लिक्विड और यह है डेंसिटी ऑफ सॉलिड तो आपको मिल जाएगा अपेरेंट वेट और अपेरेंट वेट जब मिल जाएगा तो आप जानते हैं कि जब इस तरह से हम सॉलिड बॉडी को किसी लिक्विड में इमर्स करते हैं तो उसका मास चेंज नहीं होता मास जितना था उतना ही रहेगा मान लो मास था एम ग्रेविटी है जी तो ट्रू वेट कितना होगा एम जी इंटू वन माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड और ये क्या है अपेरेंट वेट तो अपेरेंट वेट में इफेक्टिवली जी चेंज हो जाता है मास डज नॉट चेंज मास जितना था उतना ही रहेगा तो यहां ले लेंगे मास और G की वैल्यू इफेक्टिवली हो जाएगी जी डैश ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में एक चैप्टर होता है इलेवेंथ में सिंपल हार्मोनिक मोशन उसमें कई जगह फ्रूड मैकेनिक्स में ये फॉर्मूला काम आता है तो इफेक्टिवली जी कितना हो गया वह है जी प्राइम या जी डैश इज इक्वल टू हो गया जी इंटू वन माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड हो सके तो इसको आपको याद रखना चाहिए और वैसे भी फिजिक्स में आप ध्यान रखें जब भी आप फिजिक्स पढ़ें तो ये सब चीजें जो आप पढ़ रहे हैं नाइन्थ में या इलेवेंथ में पढ़ेंगे ये तभी काम आएंगे तभी ये आपको याद रहेंगी जब आप फॉर्मूला लिस्ट बनाएंगे हमेशा याद रखें फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आपको एक फॉर्मूला की डायरी बनानी चाहिए जो भी नया फार्मूला जो भी नई इंफॉर्मेशन कोई टिप कोई ट्रिक आपको पता लगती है तो वो फार्मूला डायरी में लिखना चाहिए तो आपको कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए बार बार उस फार्मूला लिस्ट को देखना चाहिए तभी फिर वो फार्मूले याद रहेंगे और आप जो क्वेश्चन हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के वो क्विकली और करेक्टली सॉल्व कर पाएंगे तो फार्मूला लिस्ट जरूर बनाए तो आगे बढ़ते हैं इसके पहले हमने आर्कमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा और आर्कमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व की अब हमको चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर इस सवाल का जवाब हमको चाहिए कि जब किसी सॉलिड बॉडी को लिक्विड में इमर्स करते हैं तो वो सॉलिड बॉडी फ्लोट होगी या फिर सिंक हो जाएगी तैरेगी या फिर डूब जाएगी तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं वो कंडीशंस अभी हम एस्टैब्लिश करेंगे हम बात कर रहे हैं कंडीशंस ऑफ अ बॉडी टू फ्लोट और टू सिंक की इसी से आपको इस बात का जवाब मिलेगा कि कोई आयरन नेल मरकरी पर क्यों फ्लोट होती है मरकरी की सरफेस पर और क्यों वो वाटर में सिंक हो जाती है पर इस डिस्कशन के पहले आपको एक बात याद रखनी है कि अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ सॉलिड बॉडी की उस बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें कैविटी हो उसकी प्रॉब्लम्स हम आगे सॉल्व करेंगे आपको नाइन्थ के लिए जो आपके स्कूल के का एग्जाम है उसके लिए आपको सॉलिड बॉडी को ही कंसिडर करना है फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जरूर इस पर भी क्वेश्चन आता है जब बॉडी में कैविटी होती है तो उसकी बात हम बाद में करेंगे तो याद रखें हम बात कर रहे हैं किसी सॉलिड बॉडी की तो आप जानते हैं कोई सॉलिड बॉडी जब किसी लिक्विड में इमर्स की जाती है तब उसके ऊपर दो फोर्सेस काम कर रहे होते हैं उनमें से पहला फोर्स होता है वेट ऑफ द बॉडी उस बॉडी का वेट वेट कैसे फाइंड आउट करेंगे तो वेट के लिए क्या चाहिए आपको उस बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये होगा उसका वेट और ये एक्ट कहां करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स अब मास क्या होता है मास होगा उस बॉडी का वॉल्यूम इनटू उस बॉडी के मटेरियल की डेंसिटी यदि वो कॉपर का क्यूब होगा तो कॉपर की डेंसिटी आयरन का होगा सिलेंडर तो आयरन की डेंसिटी मतलब उसके मटेरियल की डेंसिटी हमको यहां सब्सटीट्यूट करना होगी उसको हम लिख लेते हैं डीएस डीएस मतलब डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द सॉलिड और इसमें जी का मल्टीप्लीकेशन और ये फोर्स काम करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स दूसरा फोर्स होता है अपथ्रस्ट दूसरा फोर्स होता है अपथ्रस्ट या बॉयट फोर्स और हम बात करेंगे यू मैक्सिमम की ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं आप जानते हैं कि जब वो बॉडी किसी लिक्विड में इमर्स होगी और मान लो इस तरह से डूबी हुई है वो उसका कुछ हिस्सा लिक्विड में है और बाकी हिस्सा ऊपर है एयर में तब मैक्सिमम थ्रस्ट नहीं होगा ये बॉडी जैसे जैसे नीचे जाएगी उसका ज्यादा ज्यादा वॉल्यूम वो इमर्स होता जाएगा लिक्विड में अपथ्रस्ट बढ़ता चला जाएगा जब मैक्सिमम अपथ्रस्ट एक्ट कर रहा होगा उस बॉडी पर तब उस बॉडी की स्टेट इस तरह की होगी इस तरह से डूबी होगी वो लिक्विड के अंदर तो हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम अपथ्रस्ट की अपथ्रस्ट एक्ट कहाँ करता है वर्टिकली अपवर्ड और मैक्सिमम कितना होगा तो उसके लिए बस आपको वॉल्यूम ले लेना है सॉलिड का डेंसिटी लेनी है पर लिक्विड की डेंसिटी लिक्विड की और ग्रेविटी और ये फोर्स एक्ट करेगा वर्टिकली अपवर्ड्स तो इस तरह जब किसी सॉलिड बॉडी को हम लिक्विड में इमर्स करते हैं तो दो फोर्सेस काम कर रहे होते हैं उस बॉडी का वेट डाउनवर्ड्स और अपथ्रस्ट ऊपर और मैक्सिमम अपथ्रस्ट ये होता है अब इन दोनों फोर्सेस की रिलेटिव वैल्यूज कैसी हैं उस पर डिपेंड करेगा कि वो बॉडी सिंक हो जाएगी या फिर फ्लोट होगी तो पहले हम फ्लोट होने की कंडीशंस एस्टैब्लिश करेंगे तो हम बात कर रहे हैं फ्लोट कब होती है बॉडी उसकी वह है केस वन तीन केसेस अराइज होंगे उनमें से केस वन क्या है वो यह है कि जब ये मैक्सिमम अपथ्रस्ट यू मैक्सिमम ये ज्यादा होता है ये ग्रेटर देन डब्ल्यू होता है वेट से जब यह ज्यादा हो नीचे काम कर रहा होता है वेट और ऊपर काम कर रहा होता है मैक्सिमम थ्रस्ट यू मैक्सिमम और जब ये यू मैक्सिमम ज्यादा होता है डब्ल्यू से तब वो बॉडी फ्लोट होती है द बॉडी विल फ्लोट ये फ्लोटिंग की पहली कंडीशन हो गई अपथ्रस्ट कौन सा अपथ्रस्ट मैक्सिमम अपथ्रस्ट वो यदि वेट से ज्यादा होगा बॉडी के तो वो बॉडी फ्लोट होगी और केस टू क्या है केस टू यह है कि यदि यू मैक्सिमम मैक्सिमम अपथ्रस्ट ये इक्वल टू वेट हो तब भी बॉडी फ्लोट होगी द बॉडी विल फ्लोट पर दोनों बार उसके फ्लोट होने का तरीका अलग अलग होगा वो मैं आपको ड्रॉ करके अभी बताता हूं अलग अलग तरीके से वो फ्लोट हो रही होगी जब अपथ्रस्ट अपथ्रस्ट कैसा होगा अपथ्रस्ट ज्यादा होगा w से तब वो कंप्लीटली इमर्सड नहीं होगी उसका कुछ हिस्सा होगा एयर में और कुछ हिस्सा होगा लिक्विड में ये जो शेडेड मैंने दिखाया हुआ है रीजन या वॉल्यूम ये है लिक्विड में इमर्सड और ये जो ब्लैंक दिखाया हुआ है ये है एयर में तो जब u मैक्सिमम w से ज्यादा होता है तब बॉडी कंप्लीटली इमर्ज नहीं होती उसका कुछ पार्ट कुछ वॉल्यूम इमर्ज होता है और इस कंडीशन में ये दोनों फोर्सेस बराबर होते हैं पर अब अप्रस्ट मैक्सिमम नहीं होगा मैक्सिमम क्यों नहीं होगा मैक्सिमम के लिए तो उसे कंप्लीटली इमर्ज हो जाना चाहिए तो U लिखना पड़ेगा अब हम हम इसे U मैक्सिमम नहीं लिख पाएंगे तब U और W ये दोनों आपस में बराबर होते हैं और बॉडी इस तरह से फ्लोट हो रही होती है और जब दोनों ये बराबर हो जाते हैं यू मैक्सिमम और डब्ल्यू जब इक्वल होंगे तब बॉडी इस तरह से फ्लोट हो रही होगी तो दोनों के फ्लोट होने का तरीका अलग अलग है पर दोनों बार आप देख रहे हैं U और W बराबर हैं इस समय U मैक्सिमम W के बराबर है और इस समय U और W बराबर है आप त्रस्ट मैक्सिमम नहीं होगा क्या होगा वो नीचे जाती जाएगी और जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स ये दोनों जब बराबर हो जाएंगे उसका वेट और अपथ्रस्ट जब बराबर हो जाएंगे तो बॉडी स्टेशनरी हो जाएगी स्टेबल हो जाएगी अब आप जानते हैं अपेरेंट वेट के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अपेरेंट वेट किसी बॉडी का क्या होता है तो उसका ट्रू वेट उसका ट्रू वेट मतलब वेट इन एयर माइनस अपथ्रस्ट यह आप जानते हैं और यहां क्या हो रहा है आप देख रहे हैं वेट और अपथ्रस्ट दोनों कंडीशन में बराबर हो रहे हैं इसका मतलब ये अपेरेंट वेट ये हो जाएगा जीरो के बराबर तो दोनों केसेस में ये केस वन और ये केस टू ये दोनों केसेस हैं फ्लोट करने के फ्लोटिंग जब हो रही होती है तब इनमें से कुछ एक हो रहा होता है और दोनों बार अपेरेंट वेट होता है जीरो तो यदि कोई बॉडी फ्लोट हो रही हो और उसको सस्पेंड किया गया है किसी स्प्रिंग बैलेंस से तो उसकी रीडिंग जीरो होगी यदि स्ट्रिंग से उसको सस्पेंड किया गया होगा तो स्ट्रिंग में टेंशन भी जीरो होगा तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है वन अ बॉडी इज फ्लोटिंग ओवर अ लिक्विड देन इट्स अपेरेंट वेट इज जीरो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए अब केस थ्री क्या है तो केस थ्री बहुत आसान है केस थ्री में हम ये कहेंगे कि यदि ये यू मैक्सिमम लेस देन लेस देन डब्ल्यू हो तो अब क्या हुआ डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा हो गया अपवर्ड फोर्स कम हो गया नेट फोर्स कहां आएगा नीचे तो द बॉडी विल द बॉडी विल सिंक तो बहुत ही आसान सी बात है क्या याद रखेंगे अब याद हमको ये रखना है कि यदि यू मैक्सिमम क्सिमम ग्रेटर देन और इक्वल टू डब्ल्यू हो तब यह है कंडीशन बॉडी के फ्लोट होने की और जब यू मैक्सिमम लेस देन डब्ल्यू हो तो बॉडी सिंक हो जाएगी तो यह है फ्लोट होने की कंडीशन और यह है सिंक होने की कंडीशन अब हम बात कर लेते हैं डेंसिटीज की बस यहां हमको वैल्यूज ये वाली सब्सिट्यूट करनी है दोनों बार तो इसको मैं रब कर देता हूं इसको रब कर देते हैं इतने हिस्से को फिर से इसको क्लियर कर देते हैं फिर से लिख देते हैं यहां पर जो कुछ लिखा हुआ था इसको हटाने के लिए मुझे या तो इरेजर लेना पड़ेगा ठीक है इरेजर लेकर इसको मैंने हटा दिया ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अब पेन कोई कलर दूसरा ले लेते हैं ग्रीन कलर ले लेते हैं और यहां ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये यू मैक्सिमम कितना है तो यह है वी डीएल मतलब डेंसिटी ऑफ लीक्विड इंटू जी ग्रेटर देन डब्ल्यू डब्ल्यू कितना है वी टाइम्स डी एस इंटू जी अब ये कहलाती इन इक्वालिटी कुछ बच्चे वी और जी को कैंसिल कर देते हैं तो रिजल्ट तो सही आएगा पर ये इन इक्वालिटी है इसमें इस तरह से कैंसिलेशन नहीं होता बल्कि हमको ये कहना पड़ेगा कि हमने एल एच एस और आर एच एस दोनों को वी इंटू जी से डिवाइड कर दिया ये इनक्वालिटी आप पढ़ेंगे क्लास इलेवेंथ में तो मान लो इसको वी जी से डिवाइड कर दिया एल एच एस आर एच एस दोनों को तो यहां क्या होगा डी एल और यहां क्या होगा डी एस तो कहना यह है कि यदि लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड की डेंसिटी से ज्यादा होगी या फिर डेंसिटी ऑफ लिक्विड डेंसिटी ऑफ सॉलिड के बराबर होगी तब बॉडी फ्लोट होती है फॉर एग्जाम्पल यदि मर्करी की सरफेस पर जैसे ये कंडीशन अभी हमने निकाली फ्लोट होने की कि डीएल ग्रेटर देन है डीएस मतलब लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड की डेंसिटी से ज्यादा है फॉर एग्जाम्पल मर्क्यूरी है लिक्विड और सॉलिड है आयरन तो आपको पता होगा कि आयरन की डेंसिटी आयरन की डेंसिटी होती है 7.8 7.8 होती है आयरन की डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में और मर्क्यूरी की डेंसिटी होती है थर्टीन पॉइंट सिक्स ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तो क्या होगा जब मर्क्यूरी में आयरन नेल को डालेंगे तो आयरन नेल फ्लोट होगी तो ये याद रख सकते हैं डेंसिटीज की टर्म्स में कि डीएल मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड जब कैसा होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड तो बॉडी फ्लोट होती है और यदि डीएल यहां पर डीएल कैसा हो जाए लेस देन डी एस हो जाएगा तो क्या होगा वो बॉडी सिंक हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल वॉटर है लिक्विड और आयरन है सॉलिड तो आयरन की डेंसिटी 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और वाटर की 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तो ऑब्वियसली वाटर में ये आयरन नेल सिंक हो जाएगी पर इस पूरे डिस्कशन में आप याद रखें कि हमने अभी बात की है किसी सॉलिड बॉडी की नॉट बॉडी विद कैविटी बॉडी विद कैविटी की हम आगे बात करेंगे तब आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा कि क्यों आयरन नेल सिंक हो जाती है वाटर में जबकि आयरन से बनी हुई शिप सी में फ्लोट हो रही होती है